हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले आपके डबल डोर फ्रिज के फ़ैन मोटर को कैसे किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके घर पे डबल डोर रेफ्रिजरेटर है, उस फ्रिज के अंदर अगर फ्रीजर का भाग ठंडा नहीं हो रहा है, उसके अंदर से ठंडी हवा नहीं आ रही है, तो वहाँ पर लगे हुए फ़ैन मोटर को किस तरह से ठीक करें, यह आज हम देखेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे हाथ में जो एक फ़ैन मोटर है, ये फ़ैन मोटर लगभग डबल डोर फ्रिज की है। इस फ्रिज के लिए जो फ़ैन मोटर लगाई जाती है, इस मोटर की आरपीएम 1100 से 1300 आरपीएम होती है। आरपीएम मतलब एक मिनट के अंदर जो रिवॉल्यूशन मिनट होता है, स्पीड होती है उसकी स्पीड। ये जो फ़ैन चलता है, ये फ़ैन एक मिनट में लगभग 1100 से 1300 स्पीड पे चलता है। अब इस फ़ैन मोटर को कैसे रिपेयर करें, या ये फ़ैन मोटर कौन सी सिचुएशन में ख़राब हो जाती है। ये फ़ैन मोटर ज़्यादातर जब आपका फ्रिज काफ़ी समय से या लंबे समय से अगर बंद हो, तो ये जो फ़ैन मोटर है, इस ये फ़ैन मोटर अंदर से इन साइड से यहाँ से अधिक जाम हो जाती है। इसके अंदर के जो बेयरिंग बुश बेयरिंग रहती है, वहाँ पर कार्बन जमने से ये पूरी तरह से जाम हो जाता है। दूसरा है कि इसके अंदर ये जो स्टेटर होता है, ये स्टेटर ग्राउंड हो जाता है। स्टेटर को अगर अधिक लोड मिले, ज़्यादा वोल्टेज मिले, या स्टेटर अधिक लोड पे चलने के कारण ये गर्म हो जाए, तो गर्म होने की स्थिति में ये स्टेटर अंदर से ग्राउंड हो जाता है और आपके फ़ैन मोटर बंद हो जाती है। तो फ़ैन मोटर बंद होने से क्या होता है कि जो ऊपर की कैबिनेट की जो हवा है, फ्रीजर की जो हवा है, ये हवा नीचे के कैबिनेट में जहाँ पर आप सब्जियाँ स्टोरेज करते हैं वहाँ तक पहुँचती नहीं। फिर आप कंप्लेंट करते कि हमारे फ्रिज में नीचे वाले भाग में ठंडा नहीं हो रहा है, सिर्फ ऊपर फ्रीजर में ही हल्की हल्की ठंडी हवा आ रही है। लेकिन आप जब दरवाज़ा ओपन करके देखते हैं, तो वहाँ पर लगा हुआ पंखा या अंदर से आने वाली हवा अधिक स्पीड से या सही तरह से बाहर नहीं आ पाती। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, ये जो फ़ैन मोटर है, इस फ़ैन मोटर को आपको रिपेयर करना है या चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर होना ज़रूरी है। स्क्रू ड्राइवर की सहायता से आप आपके फ्रिज का पैनल खोल सकते हैं। एक टेस्टर चाहिए जिसके सहायता से आप मोटर चालू करने पर इसके करंट को हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक कंटिन्यूटी टेस्टर लिया, ये तो एक कॉमन इक्विपमेंट है कि ये हर एक प्रैक्टिकल में हमें लगता ही है। और यहाँ पर स्ट्रिपर है, स्ट्रिपर की सहायता से हम यहाँ इसके लीड यानी कि वायर को आसानी से कट कर सकते हैं या इंसुलेशन को रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पर एक पॉलिश पेपर जिसकी सहायता से हम ये अंदर के स्टेटर का जो भाग है या रोटर के ऊपर जो कार्बन है, इस कार्बन को आसानी से साफ कर सकते हैं। फिर ये सब कार्बन साफ करने के बाद हमें लगता है एक साफ़ कपड़ा। अभी साफ़ कपड़े से इसको सही तरह से क्लीन करेंगे तो भी ये आसानी से साफ़ हो जाता है। ये सब होने के बाद अभी इसको किस तरह से चेक करेंगे, अभी हम इसमें देखेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो फ़ैन की जो दो वायर होती है ना, ये आपके हर एक फ्रिज में, मतलब आपके घर में जो फ्रिज है, उस फ्रिज में लगे हुए मोटर में ऐसी दो वायर आपको मिलेंगी। ये मोटर के साथ आप यहाँ पर देख रहे हो, मोटर में जो यहाँ से दो वायर आई है, यही दो वायर आपको लेना है। और इस दोनों वायर को इस कंटिन्यूटी टेस्टर से चेक करना है। अगर आपके घर पर आपके पास कंटिन्यूटी टेस्टर है, तो आप इसको इस तरह से चेक कर सकते हो। यहाँ पर देख रहे हो ये लाइट जल रही, अगर इसके बीच में लाइट जलती है, ये क्वांटिटी अगर जलती है, तो समझना ये मोटर चालू है। अगर मोटर चालू रहने के बावजूद भी ये आपका फ़ैन सही तरह से नहीं चल पाता है, ये जो फ़ैन है, ये फ़ैन अगर सही तरह से नहीं चल पाता है, तो उस स्थिति में आपको इस मोटर को ओपन करके देखना है कि मोटर में कहाँ पर जाम है, बेयरिंग जाम है या कुछ अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो अभी इसके अंदर क्या क्या फॉल्ट्स आते हैं हम लोग देखेंगे। शुरुआत में यहाँ पर देखा कि इसके दोनों वायर को क्वांटिटी टेस्टर यानी कि क्वांटिटी लगा के देखा, ये अगर लाइट जलती है इसका मतलब आपकी मोटर सही है, अगर नहीं जल रही मतलब मोटर ख़राब है। तो मोटर ख़राब रहने की स्थिति में तो आपको डायरेक्ट वो मोटर नया ही लगाना है। अगर मोटर चालू है लेकिन फिर भी चल नहीं रही, तो उस स्थिति में आपको ये मोटर आप घर पे बैठे बैठे भी आसानी से रिपेयर कर सकते हो। तो उसको कैसे ठीक करेंगे, अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले मैंने इसके जो वायर लगे होते कनेक्टर में, इस कनेक्टर में से वायर को निकाल दिया। उसके बाद यहाँ पर जो फ़ैन ब्लेड लगा होता है, इस फ़ैन ब्लेड को यहाँ से हाथों से खींच के निकालना, ये आसानी से निकल जाता है। फिर यहाँ पर ये जो एक स्लीव दिखाई दे रही है, इस स्लीव को खींच के निकालना है। इस स्लीव का काम होता है कि यहाँ पर लगा हुआ फ़ैन ये पीछे नहीं जाने देता, तो इस स्लीव को हम यहाँ से आसानी से ऐसे निकाल देंगे। जो भी चीज़ आप खोलेंगे वो उसको एक ही जगह पर सही से रख देना है। अभी एक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से आपको ये जो यहाँ पर दोनों स्क्रू लगे, इस स्क्रू को खोलना है। देखो, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इसको कौन से सिचुएशन में खोलना है। जब आपके ये जो स्टेटर की वायर है या ये जो फ़ैन मोटर की वायर है, अर्थात मोटर अगर चालू है फिर भी आपका फ़ैन नहीं चल रहा है, तो उसी स्थिति में आपको इसे खोलना है। अगर मोटर चालू नहीं रहेगी तो इसको नहीं खोलना है, तो उस स्थिति में आपको मोटर नया ही लगाना है।
अभी हमने क्या किया, एक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसके स्क्रू को यहाँ से अलग किया। देखो यहाँ से ये जो स्क्रू है, इस स्क्रू को हम यहाँ से इसे अलग करेंगे। देखो यहाँ से नीचे वाले साइड से इसका जो बोल्ट था ये यहाँ से निकल गया। दूसरे वाले को भी हम इसे ऐसे ही निकालेंगे। देखो ये दूसरा भी निकल गया। जो चीज़ आप निकाल दे उसको एकदम सही सलामत अच्छे से जगह पे रखना है, ताकि फिटिंग करने के समय में आपको वो चीज़ उसी जगह पर मिलने ज़रूरी है। अभी देखो मैंने क्या किया, यहाँ से इस स्क्रू को निकाल दिया, इसको भी इसी जगह पे रख दिया, फिर इस स्क्रू को भी यहाँ से निकाल दिया, सही से रखा। अभी ये जो दोनों एंड कवर और स्टार्ट कवर जो होते हैं, इन दोनों को अलग करना है। जो शुरुआत का जो कवर रहता है उसको बोलते हैं स्टार्ट कवर, और जो लास्ट का जो कवर रहता है उसको बोलते हैं एंड कवर। मैंने दोनों को यहाँ से निकाल दिया। सबसे पहले हम एंड कवर को निकालेंगे। देखो एंड कवर यहाँ से निकला, अगर नहीं निकल रहा हो तो टेस्टर की सहायता से आप इसके बीच में अंदर टेस्टर डाल के इसको आसानी से ऐसे ऊपर उठा सकते हो। यहाँ से मैंने एंड कवर को अलग किया। एंड कवर को अलग करने के बाद इस रोटर को आप यहाँ से ऐसे पीछे से खींच सकते हो। एंड कवर को भी मैंने यहाँ से अलग कर दिया। फिर हम इस स्टार्ट कवर को भी ऐसे ही खोल लेंगे। देखो स्टार्ट कवर को भी मैंने ऐसे ही खोला, ये भी आपको यहाँ पर दिखता है, ये है स्टार्ट कवर। इसके अंदर भी एक छोटा सा बेरिंग है, बुश बेरिंग। ये है एंड कवर, इसके अंदर भी एक बुश बेरिंग है। ये बेरिंग के अंदर अगर कुछ कार्बन जम जाता है, मॉइस्चर आ जाता है या डस्ट रहती है, तो उस स्थिति में ये बेरिंग और ये जो रोटर है, ये रोटर का शाफ्ट इस बेरिंग के अंदर टाइट रहने के कारण ऐसी मोटर जो रहती है ये आपकी एकदम टाइट चलती है। टाइट चलने की स्थिति में ये पूर्ण स्पीड पे नहीं घूम पाता है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना, ये जो बेरिंग है इस बेरिंग के अंदर ऑयल डालना है। मैंने ऑयल लिया और इस ऑयल को इसके अंदर ऐसे डाल दिया। एक ऑयल लेना है, कोई भी आपके घर में जो भी ऑयल अवेलेबल हो, तो ऑयल इसके अंदर डाल के इसके शाफ्ट के अंदर या बुश के अंदर ऐसे, ये जो रोटर है इस रोटर का शाफ्ट इस बुश के अंदर डाल के ऐसे इसको अच्छी तरह से घुमाते रहना, ताकि ये भाग यहाँ पर फ्री हो सके। देखो ये क्रिया आपको तब तक करनी है जब तक ये सही आसानी से या सही तरह से फ्री नहीं होती। सबसे पहले मैंने एंड कवर को साफ करने के लिए ले लिया इस तरह से। अभी ये जो मेरा एंड कवर था, ये एंड कवर क्लीन हो चुका है। अभी हम लेंगे साफ स्टार्ट का जो कवर है, तो स्टार्ट वाले कवर को लेंगे। स्टार्ट वाले कवर को क्लीन करते समय ये जो ऊपर का जो इसका भाग है जहाँ से शाफ्ट निकलता है, वहाँ पर हाथ रखना है, उंगली रखनी है, ताकि जो ऑयल आप ऊपर से डालेंगे ये ऑयल नीचे नहीं गिरना चाहिए। देखो यहाँ पर मैंने इसे इसके अंदर ऑयल छोड़ा। ऑयल छोड़ने के बाद सेम हम एक शाफ्ट लेकर इसको सही तरह से इसे फ्री करेंगे। ये क्रिया आपको तब तक करनी है जब तक आपका ये जो बुश बेयरिंग है ये सही तरह से फ्री ना हो। जैसे ही फ्री हो जाएगा, आपको लगता है कि अभी स्मूथ चल रहा है, तो उस स्थिति में इसको हम सर्विस करना छोड़ सकते हैं या ऑयल डालना बंद कर सकते हैं। देखो मैंने वापस इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला और इसको आसानी से ऐसे फ्री कर दिया। अभी आप यहाँ पर देख रहे हो ये जो रोटर है, ये रोटर आसानी से सही तरह से घूम रहे हैं। इस तरह से मैंने स्टार्ट कवर और एंड कवर दोनों को भी क्लीन किया। देखो अभी आपको क्या करना है, ये जो रोटर है इस रोटर के ऊपर भी कभी कभी डस्ट जमती है, कार्बन जम जाता है, तो उस स्थिति में आपको ये पॉलिश पेपर लेके इस रोटर को ऐसे घिसना है, साफ करना है। ये तब तक करेंगे जब तक इसके ऊपर का कार्बन या जो जंग लगा रहता है ये पूरी तरह से निकलता नहीं। मैंने यहाँ से इसको एकदम स्मूथ कर दिया ये, ताकि ये रोटर चलने के दौरान या मैग्नेटिक फोर्स जनरेट करने के दौरान ये कहीं पे लड़े ना, मतलब टकराने का आवाज़ ना आए और फ्री चले। इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐसे अच्छी तरह से एकदम स्मूथ और मुलायम कर दिया है। सेम इसी तरह से हम यहाँ पर ये जो स्टेटर है, इस स्टेटर को भी साफ़ करेंगे। देखो स्टेटर का जो अंदर का जो भाग है ना,
ये अंदर का भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो इसके अंदर के भाग में भी ऐसे पॉलिश पेपर लगाते रहना, चारों तरफ से पॉलिश पेपर लगा के इसके स्टेटर को ऐसे साफ करना। अब मैंने यहाँ से ऐसे स्टेटर को साफ कर दिया गया, आपको ये भाग दिखाई दे रहा है एकदम चमकने लगा है। इस तरह से इसको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद आपको क्या करना है, देखो क्लीन करने के बाद यहाँ से आपको देखना है कि ये जो मोटर है ये मोटर में और कहीं पे मिट्टी वगैरह नहीं फंसी है। इस तरह से सभी चीज़ के बारे में आपको एकदम बारीक निरीक्षण करना है। ये सब होने के बाद यहाँ से सबसे पहले आपको एंड कवर लगाना है। मैंने ये लिया एंड कवर, एंड कवर को लगाने की प्रक्रिया देखो क्या है। ये एंड कवर के जो दोनों भी पॉइंट्स होते हैं, ये दोनों भी पॉइंट्स को, ये जो एंड कवर के दोनों पॉइंट्स हैं ये बराबर इसके पॉइंट्स में ही जाने चाहिए। मैंने यहाँ से इसके बीचों बीच ऐसे लगाया और इसको दोनों हाथों से ऐसे पुश किया। अभी ये जो मेरा रोटर था, इस रोटर को भी एक साफ़ कपड़े से साफ करने के बाद आसानी से इस एंड कवर के अंदर ऐसे डालना है। देखो ये होने के बाद ये जो स्टार्ट कवर है, इस स्टार्ट कवर को भी शाफ्ट, मतलब स्टार्ट कवर के बीचों बीच ऐसे ही शाफ्ट को फंसाना है। अभी यहाँ पर जैसे ही ये स्टार्ट कवर इस स्टेटर के ऊपर आएगा तो स्टेटर के ऊपर आने से दोनों हाथों से इसको ऐसे दबाना है। अच्छी तरह से दबाने के बाद आप यहाँ से शाफ्ट को घुमाते हुए आपको देखना है और इस शाफ्ट को मतलब घुमाते रहना है। फिर यहाँ से स्क्रू को टाइट करना है। देखो स्क्रू को टाइट करते समय मैंने वापस जो स्क्रू निकाला था वैसे यहाँ पर रख दिया और जो एक बोल्ट था इस बोल्ट को भी बराबर इसके खांचे में यहाँ पर ऐसे लगा दिया है और ऊपर से इसके स्क्रू को हल्का सा टाइट करेंगे। ये हल्का सा टाइट होने के बाद फिर हम लोग जो दूसरा स्क्रू निकाले थे उसको भी सेम डायरेक्शन में फिट करेंगे। मैंने यहाँ से इसके अंदर ये नट डाला, यहाँ से इसके बोल्ट को बराबर उसके खांचे में बिठाया। अभी सेम यहाँ से नट को मैंने टाइट किया। अभी शुरुआत में मैंने दोनों नट एकदम लूज किए थे, अभी दोनों नट को एकदम सही तरह से टाइट करते रहना है और टाइट करने के दौरान ये जो शाफ्ट है इस शाफ्ट को ऐसे घुमाते रहना है। ये फ्री चलता है कि नहीं देखना है, जब ये फ्री चले तो समझ जाना है कि आपका मोटर अभी ठीक हो चुका है। अभी ये सब फिटिंग होने के बाद आपको इस मोटर की वापस एक बार टेस्टिंग लेनी है। टेस्टिंग लेने के आपके लिए क्या करना है, देखो ये जो स्लीव आपने निकाला था, स्लीव का टुकड़ा, इस स्लीव के टुकड़े को भी इसके अंदर ऐसे लगा दो वापस। इसको एकदम पीछे भी नहीं रखना है ना एकदम आगे भी नहीं रखना है। इसके अंदर जो ब्लेड आप लगाने वाले हो ये ब्लेड आसानी से वहाँ पर फिट हो सके उतना यहाँ पर आपको गैप रखना है। देखो इस तरह से मैंने अभी यहाँ पर ये फैन मोटर फिट किया। अभी फैन मोटर फिट करने के बाद हमें क्या करना है, फैन मोटर फिट करने के बाद वापस मैं इसको एक बार चेक करूँगा ताकि सर्विस के दौरान मेरे हाथ से कोई वायर वगैरह टूटी हो तो स्टेटर के बीच में सप्लाई नहीं आएगी, इसलिए मैंने वापस इसको चेक करने के लिए ले लिया। लाइट जल रही है, मतलब अभी तक आपका मोटर सही है, पहले फ्री नहीं था तो अभी आपने इसको ऑयलिंग करके अच्छे से खोलकर पॉलिश पेपर द्वारा साफ़ करके आपको आपने इसको एकदम फ्री कर दिया। अभी ये चलने के लिए रेडी है। अभी इसको स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, सबसे पहले मेरे हाथ में होना चाहिए एक सप्लाई वायर। ये इसके जो दोनों वायर है ये दोनों वायर आप डायरेक्ट बोर्ड में भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर एक सप्लाई वायर लिए, इस सप्लाई वायर के एक एक वायर को हम यहाँ पर ऐसे जोड़ेंगे। देखो वायर के जॉइंट्स करते समय कभी भी ध्यान में रखना है कि अगर दो वायर हो तो उसको सही तरह से स्ट्रेट जॉइन करें ताकि जॉइंट करते समय जो भी अगर लूज कांटेक्ट हो सकता है तो लूज कांटेक्ट होने की वजह से ही आपके घर में शॉर्ट सर्किट या वो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स जलते हैं, तो वो पार्ट्स जलने नहीं चाहिए। इसके लिए हमेशा ध्यान में रखना है कि दो वायर जोड़ रहे हो तो स्ट्रेट जॉइंट, तीन जोड़ रहे हो तो टी जॉइंट में उसको जोड़ते रहना है। देखो स्ट्रेट जॉइंट करते समय क्या करना है, दोनों वायर को बीचों बीच ऐसे रखना है और एक दूसरे वायर को एक दूसरे के विपरीत विरुद्ध साइड में से घुमाते रहना है। यही क्रिया तब तक करेंगे जब तक ये सही तरह से
फिट ना हो। आप यहाँ पर देख रहे हो एकदम फिनिशिंग के साथ मैंने इसको अच्छी तरह से फिट कर दिया है। अब यहाँ पर इंसुलेशन टेप लिया है, वायर टेप जिसको इलेक्ट्रिक टेप भी कहा जाता है। मैंने यहाँ से इलेक्ट्रिक टेप लेकर या वायर टेप लेकर इसको हल्का सा जस्ट टेस्टिंग के लिए थोड़ा थोड़ा टेप लगा दिया, ताकि टेस्टिंग करने के दौरान अगर मेरा हाथ यहाँ पर लगे तो मुझे करंट वगैरह ना लगे। इसके लिए मेरी सेफ्टी के लिए मैं यहाँ पर टेप लगा रहा हूँ। अभी सब टेप लगाने के बाद हम इसको चालू करके देखेंगे कि ये मोटर चलता है या वापस वही प्रॉब्लम्स बताता है। अगर ये मोटर चलने लगा तो आज हमारा रेफ्रिजरेटर कूलिंग करेगा। देखो मैंने यहाँ से दोनों वायर के ऊपर टेप लगा दिया, और ये जो इसकी वायर है सप्लाई वायर, ये सप्लाई वायर को मैंने ऐसे इस तरह से बोर्ड में लगा दिया। बोर्ड में लगाने के बाद मैंने यहाँ से स्विच चालू किया। अगर पंखा चलने लगा तो समझ जाना आपका मोटर चालू हुआ। देखो आप यहाँ पर देख रहे हो मोटर आपका चालू हुआ। अभी ये मोटर एक बार सही तरह से स्पीड में चले तो लगभग इसको 2 से 5 मिनट तक आसान मतलब फ्री में चलने दें, ताकि अंदर अगर कुछ जामनेस हो या रोटर के बीच में अगर सही तरह से मैग्नेटिक फोर्स जनरेट ना हो तो उस स्थिति में उसको आने के लिए लगभग 5 मिनट तक उसको चलने दें। फिर ये सही तरह से चलने के बाद आप यहाँ से इस वायर को बंद करके सप्लाई को बंद करके यहाँ से वायर को डिसमेंटल करने के बाद आप आपके फ्रिज में लगा सकते हो। फिर आपका फ्रिज आसानी से फैन मोटर को स्टार्ट करके एकदम बेटर कूलिंग करेगा। इस तरह से आप मोटर को चेक कर सकते हो। थैंक यू।